हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे नान खटाई। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, हमें नान खटाई बनाने के लिए ये मैंने आधा कप घी लिया है, ये एक कप मैदा है मेरे पास, ये 3/4 कप बेसन है, 3/4 कप चीनी है और ये 2 चम्मच हमने सूजी ली, 1/8 चम्मच या चुटकी भर नमक लिया है, ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और ये 1/4 टीस्पून है इलायची का पाउडर। एक ऐसे मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें मैंने ये जो आधा कप घी है ये डालेंगे हम, और इसमें ये हमारी 3/4 कप जो शुगर है ये डाल लेंगे। अगर आपके पास ऐसा हैंड ब्लेंडर है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो जो हैंड विस्क आते हैं आप उससे भी इसको अच्छे से बीट करिए जब तक ये दोनों क्रीमी टेक्सचर के ना हो जाए। हमने अपना घी और जो चीनी है उसे 5-1 मिनट के लिए बीट किया है, ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का हो गया है। ये आप देख सकते होंगे इसका कलर भी हल्का सा वाइटिश हो गया है। अब हम इसमें अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। सबसे पहले हम एक छलनी लेंगे, उसमें हम ये मैदा डाल देंगे और इसको इसमें छान देंगे। ऐसे ही हम ये सूजी भी डाल लेंगे इसमें और ये बेसन भी, और बाकी जो हमारा ये नमक है, ये हमारा बेकिंग पाउडर और ये इलायची पाउडर, ये सब चीजें हम इसमें डाल के अच्छे से छान लेंगे। छानते टाइम अगर इसमें गुठलियां होंगी तो हम उन्हें स्पून से या हाथ से किसी भी चीज से ब्रेक कर लेंगे। जैसे ये गुठलियां आ रही हैं तो हम इन्हें ऐसे स्पून से ब्रेक कर देंगे। कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट हमेशा हमें छान के मिलाना चाहिए, जिससे ये, जैसे आप देख पा रहे होंगे गुठलियां आ रही हैं बार बार ऊपर, ये लम्प्स जो आ रहे हैं ये हमारे आटे में आके हमारे आटे का टेक्सचर खराब ना करें। और छानने में अगर और भी कोई डर्ट पार्टिकल है वो भी अलग हो जाता है। ये देखिए कितनी सारी गुठलियां थी, अगर हम इसको नहीं छानते तो ये सब हमारे आटे में चली जाती, बैटर में चली जाती। अब हम ये सारी चीजें घी और चीनी का जो हमारा पेस्ट जो हमने बनाया था बीट करके, उसके साथ हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे और इसका एक डो बनाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो रहा है और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। पूरा नीचे तक से हम अच्छे से, सॉरी, नीचे से अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर अगर हमें अपना ये जो हमने डो बनाया है ये ड्राई लगता है तो ये जो हमने दूध लिया है, ये जो दूध है ये हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके 1-1 चम्मच करके इसमें डालेंगे। देखिए वैसे ऑलमोस्ट हो गया है पर थोड़ा सा ड्राई लग रहा है मुझे, तो मैं बिल्कुल, ये देखिए 1 चम्मच से भी कम है दूध जो मैंने इसमें डाला है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम, एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे, एक साथ ज्यादा डालने से हमारा डो गीला हो जाएगा, फिर हमारी नान खटाई अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो बन के बिल्कुल रेडी है और मैंने 1/4 कप दूध लिया था, उसमें से मेरा इतना दूध यूज हुआ है, इसमें 1/4 कप में से आधा कप यूज हुआ है। और मैंने एक प्लेट ऐसे ग्रीस करके रेडी रखी है। अब हम इसमें अपनी नान कटाई रख के और इसको कढ़ाई में बेक करेंगे। डो गूंद के रखा है, उसमें से हम ऐसे छोटी छोटी बॉल्स लेंगे, उनको ऐसे राउंड शेप करेंगे और अपने नकल से ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं, काजू, पिस्ता, कुछ भी। नहीं तो अगर आप ऐसे सादा जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बनाएंगे तब भी बहुत टेस्टी लगेंगे। 10 मिनट से हमारी कढ़ाई प्री हीट हो रही है और ये बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। इसमें हम ये जो हमने नान खटाई वाली प्लेट तैयार की है ये बहुत सावधानी के साथ रख देंगे और इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और 15 मिनट पकाएंगे। देखिए हमारी नान खटाई बन के बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे कढ़ाई में से निकाल दिया था और इसे 5-10 मिनट ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये देखिए नीचे से भी कितनी अच्छे से सिकी है और ऊपर से भी अच्छी ब्राउनिंग हुई है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए
कितने अच्छे से अंदर से भी पकी है। तो आप भी ये नान खटाई कढ़ाई में बनाकर जरूर देखें। हमारी टेस्टी नान खटाई कढ़ाई में बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको जरूर घर पर बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।